लक्ष्य के स्वजन से संचालित जवान उदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के इस YouTube ऑनलाइन बैच में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इससे संबंधित जो क्वेश्चन से बहुत ही आसान होते हैं लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक के कारण वो आपके गलत हो जाते हैं और इस प्रकार के प्रश्न अन्य प्रौद्योगिक परीक्षाएं जैसे UPSSC का पैट है या हरियाणा का CET है या फिर हमारे जो सैनिक बोर्ड है उसके जो स्कूल है उसकी प्रवेश परीक्षा के लिए भी प्रश्न आते रहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम अच्छे से समझते हैं क्या है। यदि हमने ये समझ लिया तो जो एक्सरसाइज है आप उसको बिल्कुल अच्छे से समझ लोगे क्योंकि जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक हम गलतियाँ करते रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दशमलव भिन्न, यानी दशमलव भिन्न होती क्या है। तो दशमलव भिन्न पूर्णांक प्लस अपूर्णांश दोनों से मिलकर बनती है, जैसे 1.2। तो ये तो पार्ट हो गया, पूर्णांक हो गया और ये अपूर्णांश हो गया, यानी इन दोनों से मिलकर एक भिन्न बनती है उसको हम दशमलव भिन्न बोलते हैं। यहां पर एक क्या है, पूर्णांक। अब हम देखते हैं पूर्णांक की संधि विच्छेद करते हैं, पूर्णांक यानी पूर्ण जमा में अंक अर्थात पूरा प्लस अंक। तो पूर्णांक यानी जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से जितने भी अंक होंगे इनको हम पूर्णांक या इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। अब जो अपूर्णांश है, अपूर्णांश अर्थात जो पॉइंट्स की यानी 0.2 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, अर्थात ये 0.2 जो है वो 2 के दसवें भाग को रूपित कर रहा है, यानी 2 के 10 भाग कर दिए गए हैं, उनमें से एक है ये, तो ये इसको पूरा अंक निरूपित नहीं कर रहा। तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो भिन्न दशमलव भिन्न है वह क्या है, दशमलव भिन्न का हर दशमलव भिन्न का हर 10 की घात या ये 1 हो सकती है, 10 की घात 2 हो सकती है या 10 की घात 3 हो सकती है, इस तरीके से उसका हर होगा वो 10 की घातांक के रूप में होगा। जैसे मान लीजिएगा 5/10 है तो इसको हम 10.5 लिखेंगे, 5/10 की शक्ति 2 अर्थात 5/100 हो जाएगा, तो ये 0.05 कहलाएगी। तो नीचे की संख्या जो 10 के गुणांक के रूप में हो, घातांक के रूप में हो, उसी को हम क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न के रूप में जानते हैं। तो आशा करता हूं आपने दशमलव भिन्न क्या होती है इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया होगा। अगला जो पॉइंट है हमारा वो क्या है उसको देखते हैं, दशमलव भिन्नों का जोड़ना या घटाना। तो दशमलव भिन्नों को जोड़ने या घटाने से पहले हमें एक ही चीज ध्यान रखनी है कि उसका जो दशमलव है, जो पॉइंट है, उस पॉइंट को हमने एक जगह लगा दिया, तो अगली संख्याएं जो आएंगी उन सभी को उनके जो पॉइंट है वहीं उसी सीध में लगाने हैं और जो पूर्णांक है उनको आगे और अपूर्णांक से उनको पीछे लिख देना है। जैसे मान लीजिएगा हमने ले लिया 3, 5.76, अगली संख्या हमने ले ली 5.7, 3, 8.8, 4, 8.07। तो इनको जोड़ने के लिए अब दशमलव के सीधे में हमने इसको दशमलव रखना है। ऐसे ही यदि घटाना है तो भी हमने बड़ी संख्या को ऊपर लिखे और दशमलव का जो अंक है उसको हमने दशमलव के सीधे में रखना है। अब कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम दशमलव के बाद किसी अंक पर 0 लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ 0 लगा देंगे, और किसी अंक के आगे 0 लगा हो और उस अंक से पहले कोई अंक ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर भी हम 0 लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं जैसे 2 लिख दिया हमने, यहाँ 0 लगा दिया और 1 यहाँ लगा दिया फिर इसकी वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन सिर्फ 0 लगाएंगे तो आप सार्थक और निरर्थक अंक में इसको पढ़ोगे, आगे हम इसको अच्छे से समझाएंगे। तो इसको हम सामान्य तरीके से जोड़ देंगे, जहां दशमलव है वहां दशमलव लगा देंगे। तो 6 और 7 कितने होते हैं, 13, 1 हासिल हो गया तो यहां पर 8 हो गए, 8 और 7 15, 15 और 8 23 होते हैं, तो ये 3 आ गया। अब दशमलव यहां पर कितना है, 2 है, तो हम इसमें जोड़ देंगे 5 और 2 7, 7 5 12, 12 और 8 20, 20 और 8 28 हो गए, और 2 हासिल हो गए तो 3 और 2 5, 5 और 3 8, और 8 और 4 12, और दशमलव हमने यही लगा देना। तो ये ध्यान रखना है, ये गलती अगर हमसे हो गई, मान लीजिए हमने ऐसे कर दिया 35.76 है और यहाँ पर हमारे पास एक अंक है तो हम यहाँ लिख दें 5.70, फिर यहाँ पर जोड़ना आसान नहीं होगा क्योंकि दशमलव का अंक हमने आगे पीछे कर दिया। तो यहाँ पर सिर्फ लिखने का मैटर है, यानी यदि हम दशमलव को दशमलव की सीध में ही रखेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा, और यदि हमने दशमलव को इधर उधर कर दिया तो निश्चित रूप से हमारा आंसर गलत आएगा और हम सही करते हुए भी आंसर को गलत टिक करके आ जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे ही हमने घटाना है उसमें भी, जैसे मान लीजिएगा 50
2.76 है और हमारे पास दूसरी संख्या है 32.82 है, तो यहाँ पर भी हमने बड़ी संख्या को ऊपर ले लिया। अब हमने क्या करना है, घटाना है, तो यहाँ पर भी घटाने के लिए हमने दशमलव के नीचे दशमलव लिखा है, तो पीछे से जैसे सामान्य संख्या को घटाते हैं वैसे ही घटाना है। तो क्या है, 6 में से 2 गए 4, 7 में से 8 घटता नहीं तो 1 कैरी लेंगे, यानी 17 में से 8 को घटाएंगे, तो 17 में से 8 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 9। अब दशमलव के नीचे दशमलव, क्योंकि यहाँ से हमने एक अंक ले लिया था तो कितने रह गए, 1, और 1 में से 2 नहीं घटता तो यहाँ पर एक और ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 11, और 11 में से 2 घटाएंगे तो कितने आएंगे, 9, और यहाँ पर कितने बचेंगे, 4, 4 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 1, यानी ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि दशमलव बिंदुओं को घटाने या जोड़ने से पहले हमें उनको एक सीध में लिखना है, और एक सीध में लिखने के बाद हम उसके आंसर को बखूबी और अच्छे से निकाल सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। अगला हमारा पॉइंट है दशमलव बिंदुओं को पूर्णांक से गुणा करना, कोई भी दशमलव भिन्न है और उसको एक पूर्णांक से गुणा करना है। अगला पॉइंट हमारा उसको देखते हैं, देखो क्या है, जैसे 55.72 है और इसको हमने किसी भी संख्या से मान लीजिएगा 15 से गुणा करना, तो ये पूर्णांक है, पूर्णांक से, तो हमें सिर्फ इसमें क्या करना है कि पहले हम इस दशमलव को इग्नोर कर दें कि है ही नहीं और सामान्य तरीके से गुणा कर दें, 7.2 गुणा में 15, हम ये मान के चले दशमलव है ही नहीं। अब इसको जैसे हमने पहले सीखा है उसी से गुणा कर देंगे, 15 × 2 = 30, हासिल कितने हो गए, 3, 15 × 7 = 105, 105 × 3 = 8, हासिल कितने हो गए, 10, 15 × 5 = 75 और 10 = 85 के 5, और हासिल कितने हो गए, 8, तो 15 × 5 = 75 और 8 कितने हो गए, 83। तो यहाँ पर अब दशमलव क्या है, हम यहाँ देखेंगे दशमलव दो अंकों के बाद है, पीछे से गिनेंगे हमेशा, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 835.35। तो हमने क्या किया, इस संख्या को एज इट इज लिख लिया और इनका गुणा कर दिया। अब ये देख लिया कि ये जो अंक है दो, हमेशा पीछे से गिनना है, ध्यान रखना, आगे से गिनोगे तो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आगे के जो क्वेश्चन हैं उनमें हल करेंगे, वहां पर भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो आशा करता हूं ये समझ लिया होगा। अगला है दशमलव बिंदुओं को दशमलव बिंदुओं से गुणा करना, अर्थात मान लीजिएगा हमने 1.5 को 1.3 से गुणा करना है, तो दोनों ही दशमलव बिंदु, इनको गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, 15 × 13 से कर देंगे, दशमलव को इस समय हमने इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया, तो क्या होगा, देखो 13 × 5 = 65 हो गए, 1 कैरी कितने हो गए, 6 हो गए, 13 × 13 = 13, 13 × 6 कितने हो गए, 19। अब दशमलव देखो 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर, तो कुल कितने हो गए, 2, तो 2 के बाद लगा देंगे, यानी 1.95 हमारा इसका आंसर मिल गया। अब हम इसको दूसरे तरीके से और भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि इस 1.5 को 15/10 लिख सकते हैं, इस 1.3 को 13/10 लिख सकते हैं, अब इनका गुणा कर दो। अब हम इसका गुणा कर, 15 × 3 = 45, 15 × 15 = 4 = 19/100। अब जितने अंक नीचे होंगे उतने ही अंकों के बाद, यदि 1 और 1 के बाद 0 जितने होंगे नीचे जो हर है उसमें, तो जितने 0 होंगे उतने ही अंकों के बाद ऊपर दशमलव लग जाएगा। तो इस तरीके से दोनों तरीकों से हम इसको हल कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो अच्छे से समझ में आया हो उसी से आप इसको सॉल्व करें। अगला पॉइंट है हमारा दशमलव भिन्नों को दशमलव भिन्नों से गुणा करना, सॉरी दशमलव भिन्नों को पूर्णांक से भाग देना, यानी मान लीजिए हमारे पास दशमलव भिन्न है 1.5 और इसको हम 3 से भाग देना चाहते हैं, ऊपर क्या है दशमलव भिन्न है, नीचे क्या है एक पूर्णांक है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करें, 1500 को 3 से भाग करें, 3, 5, 15, ऊपर जितने अंक के बाद दशमलव है, 1 के बाद है तो यहाँ पर हम 1.5 लगा देंगे, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 1.5 को 3, यहाँ से दशमलव हटाओगे तो 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 5, 15 से ये 2 बार कट जाएगा, यानी 1/2 हो गया, अब इसका गुणा कर देंगे, 2 में 1 का भाग जाता नहीं तो दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 1 0 हो जाएगा, 10, 2, 5, 10, तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम इसको हल कर सकते हैं, यानी दशमलव भिन्नों का में किसी भी पूर्णांक से जब हम भाग देते हैं तो पहले हम दो तरीके से, यानी एक तो दशमलव हटा के और दूसरा हम दशमलव को इग्नोर करके ऐसे ही भाग कर देते हैं, दशमलव के जितने अंकों के बाद दशमलव होता है किसमें, इसका जो अंश है उसमें, उतने ही अंकों के बाद हम इसको दशमलव में कन्वर्ट कर देंगे। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है बहुत ही महत्वपूर्ण, दशमलव भिन्नों का दशमलव भिन्नों से भाग करना। अब मान लीजिएगा हमने 1.5 में 0.3 से भाग करना है, भिन्न वही है, 0.3 से भाग करना है, तो यहाँ पर यदि हम दशमलव हटाएंगे तो दशमलव सीधा ही हट जाएगा, यानी यहाँ पर 15/3 ही आ जाएगा, तो 3, 5, 15, यानी इसका उत्तर हमें 5 मिल जाएगा। अब दूसरे तरीके से करते हैं, 1.5 /
0.3, तो इसको यदि आप ऐसे लिखोगे तो कितना आ जाएगा 10, और इसको लिखोगे तो इसका भी बटे 10 होगा और ये 10 ऊपर पहुंच जाएगा यानी यहाँ, तो इससे ये कट जाएगा यानी 15/3 ही आएगा, तो कितना आ जाएगा 5। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, या फिर इनको हम इग्नोर करके भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों पॉइंट हैं दोनों में ही, और जितने अंक नीचे हैं वो जैसे कोई भी दो भिन्नात्मक संख्या है 3, 5, 7, 2/0.82 है, तो दशमलव के अंक दोनों में बराबर हैं, दशमलव के बाद पीछे यहाँ भी दो अंक हैं यहाँ भी दो हैं, तो सीधा ये दशमलव हट जाएगा। अब इसका हम इसमें भाग कर देंगे, तो ऐसा करता हूँ ये जो कॉन्सेप्ट था इसको आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, और यदि बहुत अच्छे से समझ लिया तो हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जो एक्सरसाइज है और उदाहरण है उनको हम कल यानी अगले वीडियो में कराएंगे। तो कुछ उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इसमें पहला जो उदाहरण है वो दिया है 2.5, 2.5, 2.5+3.6+9.5, 3.6+9.5, इसको हमें हल करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको एक सही क्रम में लिख लेंगे यानी 2.5, 3.6 और 9.5, अब इनको जोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है, 5 और 6 11, 11 और 5 16, 1 कहाँ से लोगे 3, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 9 15, यानी 15.6 इसका आंसर हो जाएगा। और इसका जो एग्जांपल है इसमें 15.6 तीसरे नंबर पर दिया है, तो इसका तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसा करता हूँ आज मेरे द्वारा समझा गया इस कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझ लिया होगा, कल यानी अगले वीडियो में हम आपको इसके सारे के सारे एग्जांपल्स कराएंगे, फिर उसके बाद आपकी एक्सरसाइज भी कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल यानी अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। और